बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम डॉक्टर जमाल अंजुम एंड आई एम विजिटिंग लेक्चरर किंग्सवे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीगढ़। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल जो है ना वो स्टार्ट की हुई है। हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है प्रैक्टिकल नंबर 8, डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। पहले प्रैक्टिकल में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड की क्या है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड की फंक्शन क्या है। फिर हम जाएंगे व्हाट इज़ एंटीजन, व्हाट इज़ एंटीबॉडी, ये जानना ज़रूरी है। फिर हम जाएंगे एबीयू सिस्टम और आरएच फैक्टर पे, एबीयू सिस्टम पे और आरएच फैक्टर पे, ठीक है। तो जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है जो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में से, इस प्रैक्टिकल में से, वो है नंबर फर्स्ट पे व्हाट इज़ ब्लड। देन हम जाएंगे व्हाट इज़ ब्लड सेल्स। फिर हम जाएंगे फंक्शन ऑफ ब्लड पे। फिर हम ये समझेंगे व्हाट इज़ एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ठीक है। फिर हम जाएंगे एंड पे एबीयू सिस्टम और आरएच इनकंपैटिबिलिटी फैक्टर पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी ब्लड। ब्लड इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिशू। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ब्लड जो है ना कनेक्टिव टिशू का एक फॉर्म है, एक टाइप है। ये जो है ना कंपोज्ड है 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म एलिमेंट्स। अगर हम प्लाज्मा की कंपोजिशन पे आ जाए तो प्लाज्मा में 55% में हमारे साथ 91 to 92% वाटर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ सॉल्ट, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे हैं। और प्लाज्मा में हमारे साथ मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन है जिसको हम फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, अल्बुमिन कहते हैं, ठीक है। ये तो प्लाज्मा की कंपोजिशन हो गई। अब हम जाते हैं फॉर्म एलिमेंट्स पे। फॉर्म एलिमेंट हमारे साथ 3 है, एरिथ्रोसाइट, लीकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये 45% ब्लड बनाती है हमारे साथ, ठीक है। ब्लड जो है ना हमारे साथ थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करती है। हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एओर्टा को ब्लड इजेक्ट करता है। एओर्टा फिर सारी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ब्लड जो है ना हमारे साथ बोन मैरो में बनती है और बोन मैरो में एक स्पेशलाइज किस्म सेल्स है उसमें बनती है जिसको हम हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। ब्लड जो है ना हमारे साथ रेडिश कलर होती है। और रेडिश कलर, इसकी कलर क्यों रेड होती है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन जो है ना एक रेडिश कलर सब्सटेंस है, HbS, जिसको हम HbS डिनोट करते हैं। और ये हमारे साथ ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू लेवल पे सप्लाई करती है, ठीक है। ब्लड की pH जो है ना जिसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ये 7.4 है। और अब हम आते हैं ब्लड वॉल्यूम पे। मेल में जो ना एडल्ट मेल है उसमें ब्लड की वॉल्यूम 5 to 6 liter होती है। और वॉल्यूम इन फीमेल ये हमारे साथ 4 to 5 liter होती है। अब आप ये सब कहेंगे कि क्यों फीमेल में जो है ना ब्लड की वॉल्यूम कम होती है। आपको पता होना चाहिए ब्लड फीमेल में हर मंथ जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। इसकी मेंस्ट्रुअल पीरियड की वजह से ब्लड लॉस होती है, तो इसकी वजह से फीमेल में ब्लड रेशो कम होती है बजाय मेल के, ठीक है। अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे। ब्लड जो है ना ये हमारे साथ कंसिस्ट होता है फॉर्म एलिमेंट्स पे और फ्लूइड फिल्ड या क्रिस्टल कलर फ्लूइड जिसको प्लाज्मा कहते हैं। फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी प्लाज्मा एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं फॉर्म एलिमेंट्स पे। फॉर्म एलिमेंट्स में हमारे साथ पहले है आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट जो है ना ये हमारे साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, थ्रू आउट टिश्यू लेवल, ठीक है। लीकोसाइट हमारे साथ WBC है, जिस तरह लीकोसाइट में हमारे साथ आती है बेसोफिल, मानोसाइट, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ईसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये हमारे साथ लीकोसाइट्स है। ये हमारे साथ इम्यून डिफेंस में, हमारे साथ जो फॉरेन बॉडीज आती है उस पर अटैक करती है, इम्यून डिफेंस में हमारे साथ हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ प्लेटलेट्स है, प्लेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट हमारे साथ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग से मुराद क्या है? ब्लड क्लॉटिंग से मुराद ये है जब कट लग जाए या ब्लड जो है ना ऊज आउट हो जाए बॉडी से, तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन बन जाती है। ये कौन बनाते हैं हमारे साथ? प्लेटलेट फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्लेटलेट फैक्टर्स है और हम इसमें साथ हमारे साथ प्लेटलेट सेल्स होते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब हम आते हैं ब्लड सेल्स पे। ब्लड सेल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये ब्लड सेल्स की कंप्लीट पिक्चर है, स्लाइड पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ प्लेटलेट्स है, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ये जो बड़े वाले डिस्क शेप आरबीसी एरिथ्रोसाइट, बाई कनकेव शेप, ये एरिथ्रोसाइट है। ये आप देख रहे हैं जो दरमियान में से हॉलो वाइट नज़र आ रही है, एरिथ्रोसाइट है। और जो क्लम्प्स नज़र आ रहे हैं, ये जो गुंछे नज़र आ रहे हैं, ये वाला, ये क्या है? ये डब्ल्यूबीसी है। ये मानोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट्स है, ये न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। तो ये हमारे साथ कंप्लीट पिक्चर है ब्लड सेल्स की। अब हम आते हैं एरिथ्रोसाइट पे। एरिथ्रोसाइट जो है ना हमारे साथ 7.5 micron डिस्क, उसकी डायमीटर होती है, उसकी डिस्क शेप बॉडी होती है, जिसको हम बाई कनकेव शेप भी कहते हैं। और ये सेंट्रल में डिप्रेस्ड होती है, सेंट्रल में ये डिप्रेस्ड मीन सेंट्रल में ये थिन होती है और पेरिफेरी पे थिक होती है, बाई कनकेव शेप होती है, ठीक है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये बाई कनकेव शेप है, बिल्कुल कॉइन की तरह बाई कन, लेकिन इसकी सेंट्रल जो है ना ये डिप्रेस्ड होती है। द सेल इज विदाउट अ न्यूक्लियस, में न्यूक्लियस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये जो है ना इसमें हमारे साथ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन एक रेडिश कलर सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को सारे बॉडी को प्रोवाइड करती है, ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू लेवल।
हमारे साथ एक आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज है। 120 डेज में ये हमारे साथ बोन मैरो और लीवर में पेगोसाइटिक सेल की वजह से, पेगोसाइटोसिस की वजह से हमारे साथ डेड होते हैं, ठीक है। तो इसकी लाइफ स्पेन 120 डेज है। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये फिर बोन मैरो स्प्लीन और फेगोसाइटिक सेल इन द लीवर ये क्या करती है? रिमूव करती है ओल्ड एरिथ्रोसाइट को। जब हमारे साथ इसकी लाइफ स्पेन पूरी हो जाती है 120 डेज, फिर स्प्लीन, बोन मैरो और लीवर इसको क्या करती है? इसको इलिमिनेट करती है, बॉडी से निकालती है, ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड पे। तो हम फंक्शन ऑफ ब्लड पे जानेंगे। इसकी एक फंक्शन, मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्टर है। ये एक रेगुलेशन, रेगुलेटरी फंक्शन की भी है, प्रोटेक्शन भी देती है बॉडी को, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एंटीजन एंटीबॉडी पे। ब्लड ग्रुप में जाने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया, हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, फिर हम जाएंगे ब्लड ग्रुप पे। तो एंटीजन को हम इम्यूनोजन भी कहते हैं। ये एक सब्सटेंस और टॉक्सिन इन ब्लड, ये ब्लड में मौजूद होता है, एक सब्सटेंस है, एक टॉक्सिन है, जो क्या करती है? दे ट्रिगर्स बॉडी टू फाइट देम, और सिंपल इट इज एंटीबॉडी जनरेटर। ये सिंपल जो है ना एंटीबॉडी जनरेटर है। हमारे साथ एंटीजन जब हमारी बॉडी में आता है तो एंटीबॉडीज बनाती है, जो बाहर से फॉरन इंट्रूडन आ जाते हैं तो एंटीजन आती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सिल्क, स्नेक, विनोम, एलर्जन, ये इसके साथ फाइट करती है, उसको किल करती है, तो इसको हम कहते हैं एंटीजन। इस तरह हमारे सेल पे भी एक एंटीजन होता है, जिसको हम ए बी आर बी सी पे एंटीजन होता है, जिसको हम एंटीजन ए आर एंटीजन बी कहते हैं, ठीक है। एंटीजन आर बैक्टीरियाज, वायरस, टॉक्सिन, एलर्जन। ये हमारे साथ कौन से हैं? बैक्टीरियाज, वायरस, एलर्जन है, ठीक है। इसके टू टाइप्स है। एक को हम हेट्रो एंटीजन कहते हैं, जिसको नॉन सेल्फ एंट्रोजन कहते हैं। नॉन सेल्फ एंट्रोजन जो बाहर से आते हैं हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, वो बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जन, स्नेक, विनोम है। एक को हम आउट एंटीजन कहते हैं, जिसको हम सेल्फ एंटीजन भी कहते हैं। ये हमारे साथ जस्ट आरबीसी के सरफेस पे होते हैं, इसको हम एंटीजन ए और एंटीजन बी का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गई एंटीजन पे बात, ठीक है। अब हम आएंगे एंटीबॉडीज पे। व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच इज यूनिटेड बाय आईजी, दे आर वाई शेप प्रोटीन, मे बी बी लिम्फोसाइट और बी सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे साथ एंटीबॉडीज जो है ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन इसको कहते हैं, आईजी से हम डिनोट करते हैं इसको। इसकी शेप जो है ना आप देख सकते हैं, एंटीजन है, एंटीजन मॉलिक्यूल है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ठीक है। ये जो है ना एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज़ की ये जो बड़ा चेन, इसको हम हैवी चेन कहते हैं, और ये जो छोटा चेन, इसको हम लाइट चेन कहते हैं। बड़ा चेन को ये विजिबल नज़र आता है, ठीक है, और ये जो छोटा चेन है ये मोस्टली अनविजिबल होता है, ठीक है। ये जो छोटा चेन, इसको हम लाइट चेन कहते हैं। ये जो अपर वाला पार्ट, इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। यहाँ पे एंटीजन बाहर से आके यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। और ये जो छोटा वाला, छोटे छोटे चेन है, इसको हम लाइट चेन कहते हैं, ठीक है। ये हैवी चेन है बड़ा वाला, और ये छोटा वाला, ये लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडीज है। तो एंटीबॉडीज के वाई शेप्ड है, वाई शेप में टू चेन्स होते हैं, हैवी चेन एंड लाइट चेन, ठीक है। हमारे साथ एंटीबॉडीज के फिर टाइप्स है, आईजीजी, आईजीएम एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंड ई। जो हमारे साथ आईजीजी है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये मोस्ट अबंडेंट इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो आईजीएम है, ये पहला एंटीबॉडी जो हमारे साथ, जो हमारी बॉडी बनाते हैं पहला एंटीबॉडीज, वो बी सेल से बनती है, जिसको हम आईजीएम कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गई एंटीबॉडीज पे डिस्कशन। उम्मीद है आपको एंटीबॉडी की समझ आई होगी। अब हम जाते हैं ब्लड ग्रुपिंग के, आरबीओ सिस्टम पे। ब्लड ग्रुप में जाने से पहले इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। अब ब्लड ग्रुप ए बी यू सिस्टम की हिस्ट्री ये है कि एक हमारे साथ ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था, जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर। इन 1901 उसने एक डिस्कवरी की थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी की थी उसने। उसने मल्टीपल जो है ना स्लाइड रखे थे माइक्रोस्कोप पे, उस पर उसने एंटीसेरा डाला। एंटीसेरा में उसने देखा कि एक पे ग्लूटिनेशन बन गई, दूसरे पे नहीं बन गई, चीज़ें उस टाइप चीज़ें उसने देखी माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। तो जो एग्लूटिनेशन बन गई, तो उसको उसने मल्टीपल मुख्तलिफ जो है ना ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। ये जो डिस्कवरी हो गई, इस डिस्कवरी पे कार्ल लैंडस्टाइनर को 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो जो कार्ल लैंडस्टाइनर है, उसने ए बी यू सिस्टम जो है ना वो क्या किया, वो डिस्कवर किया। देयर आर सेवरल ग्रुप्स ऑपरेट ब्लड सेल एंटीजन, बट द मेजर ग्रुप इज नोन एज ए बी यू सिस्टम। उसने मल्टीपल जो है ना, उसने पहले ए बी सी एंटीजन जो है ना, ए बी सी ब्लड ग्रुप वो डिस्कवर किए थे, फिर बाद में ओ आ गई, ओ ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे साथ उसने कार्ल लैंडस्टाइनर ने क्या किया, ब्लड को फोर ग्रुप्स पे डिवाइड किया। एक को हम कहते हैं टाइप ए ब्लड ग्रुप, टाइप बी, टाइप ए बी एंड ओ। अगर ब्लड किसी बंदे का ब्लड ग्रुप टाइप ए है, तो इसका मतलब है इसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप टाइप बी है, तो इसका मतलब है उसके सरफेस एंटीजन पे बी है। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसका मतलब है उसके आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन है, ए बी है और बी बी है। अगर किसी बंदे का टाइप ब्लड ग्रुप ओ हो, तो इसका मतलब है कि इसके सरफेस पे, इसके आरबीसी के सरफेस पे ना तो एंटीजन ए है ना बी है, ठीक है। तो कार्ल लैंडस्टाइनर ने इस तरह डिवाइड किया ब्लड ग्रुप को, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, जिस जो आजकल हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड को भिजवाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, और फिर उसके थ्रू जो है ना हम ब्लड को डोनेट करते हैं और रिसीव करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब जो है ना कार्ल स्टाइनर ने प्लाज्मा एंटीबॉडीज भी ड्राइव किए थे। टाइप ए ब्लड ग्रुप में ओनली ए बी एंटीबॉडीज होंगे, ये आप देख सकते हैं। असल में इसकी ना कार्ल स्टाइनर ने डिस्कवरीज की थी, लेट सपोज ये टाइप ए एंटीबॉडीज है, तो इसके सर्फिस पे उसने ना ऐसे स्पाइक्स देखे, ठीक है, ऐसे स्पाइक्स देखे। बी उसने देखा, बी पे जो है ना उसने ऐसे हालो ऑर्गन उस ऐसे हालो शेप स्पेस उसने जो है ना उसके सर्फिस पे देखे, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप ए है उसने देखा कि जो बी का एंटीबॉडी है वो ए पे फिट नहीं होती, तो इसका मतलब है टाइप ए जो है ना उसके साथ बी एंटीबॉडीज होगी। कौन सी? बी एंटीबॉडीज, ठीक है। और टाइप बी जो ब्लड ग्रुप है उसने देखा कि उसके साथ ए एंटीबॉडीज होगी। टाइप ए ब्लड ग्रुप के साथ बी एंटीबॉडीज होगी, टाइप बी एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप के साथ ए एंटीबॉडीज होगी, ठीक है। फिर उसने देखा कि ए बी के साथ दोनों फिट होती है, तो इसका मतलब है कि टाइप ए बी के साथ ना तो ए एंटीबॉडीज है ना बी एंटीबॉडीज है, ठीक है। और फिर एंड पे उसने टाइप ओ जो जिसके साथ दोनों एंटीबॉडीज जो है ना वो क्या मैच होती थी, जो उसके साथ फिट होती थी, ठीक है, उसके सर्फिस पे कोई एंटीजन नहीं था, तो इसकी वजह से उस पर बी एंटीबॉडीज भी फिट होती और ए एंटीबॉडीज भी फिट होती थी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज प्रेजेंटेशन है, ये आप देख सकते हैं, एंटी बी ऐसी प्रेजेंटेशन है इसकी, ये ए पे जो है ना मैच होती है और एंटी ए, और फिर जो है ना ए बी पे कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, और ओ पे जो है ना हमारे साथ एंटी ए एंटीबॉडीज भी है और एंटी बी एंटीबॉडीज भी है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है ना कार्ल स्टाइनर ने डिस्कवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, इस पे मैं लेके चलता हूँ आपको आरएच इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर पे, ठीक है, रीसेस फैक्टर। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर को हम रीसेस फैक्टर भी कहते हैं। रीसेस इसकी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, चलो रीसेस एक मंकी का नाम है, ठीक है। तो जो कार्ल स्टाइनर है उसने रीसेस मंकी से ब्लड लिया, उसके थ्रू जो है ना उसने आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया, ठीक है। आरएच एक उसने अनदर एंटीजन जो है ना उसने देख लिया रेड ब्लड सेल पे, ठीक है, जो रीसेस मंकी है उसके आरबीसी के सर्फेस पे उसने अनदर एंटीजन देखा, जिसको उसने नाम दिया आरएच वेक्टर, ठीक है। तो अगर आरएच वेक्टर हमारे साथ उसको एंटीसेरा डी उसने अगर एंटीसेरा डी हमारे साथ एक उस पर ड्यूटेंशन बन जाती है, तो इसका मतलब है आरएच पॉजिटिव, अगर नहीं बन जाती उसका मतलब है आरएच नेगेटिव, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एंटी ए पे ग्लूटेनेशन नहीं बनी, बी पे भी नहीं बनी, लेकिन डी पे बनी है। तो हमारे साथ हम सबको पता है कि एंटी ए और बी जो है ना एंटी बी ये दोनों ओ नेगेटिव ओ के ब्लड के सरफेस पे मौजूद होती है, उसके साथ जो है ना डी पे ग्लूटेनेशन बन गया, तो इसका मतलब है ओ पॉजिटिव। इसके और दूसरे लाइन पे आप देख सकते हैं, एंटी ए जो है इसकी ग्लूटेनेशन नहीं बनी, बी पे भी नहीं बनी, लेकिन तीसरे पे भी नहीं बनी, तो इसका मतलब है ये ओ नेगेटिव है, ठीक है। ए बी सरफेस पे तो है ही नहीं, इसके साथ डी भी जो है ना वो नेगेटिव है, इसका मतलब है ओ नेगेटिव। अभी हमारे साथ जो है ना ए पे ग्लूटेनेशन बन गई है, बी पे नहीं बनी, लेकिन डी पे बन गई है एंटीसेरा, तो इसका मतलब है कि इस बंदे का ब्लड जो है ना ये ए पॉजिटिव है, ठीक है, साथ डी पे भी बन गई है ना, तो इसका मतलब है ए पॉजिटिव। ये आ गया ए नेगेटिव, डी पे नहीं बनी, ये आ गया बी पे बन गई या डी पे बन गई, ओ पॉजिटिव, ये आ गया ओ नेगेटिव, ठीक है, ये आ गया तीनों पे बन गई है, एन टी ए पी बनी है, बी पी बनी है, सी पी बनी है, क्योंकि हम पेशेंट से ब्लड ले सैंपल ले, तीन सैंपल हम ले, एक पे एंटीसेरा ए डाले, एक बी पी डाले, एक बी सी डी डाले, अगर तीनों पे ग्लूटेनेशन बन जाए तो इसका मतलब है उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। अगर ए पे बने बी पी भी ग्लूटेनेशन बने और डी पे ना बने, तो इसका मतलब है ए बी तो है उसका ब्लड ग्रुप, लेकिन साथ में डी एंटीसेरा डी जो है ना हमारे साथ उस पर ग्लूटेनेशन नहीं बनी, नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब है ए बी नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ब्लड ग्रुप्स की, कार्ल स्टाइनर की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, और प्रैक्टिकल में आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, हम प्रैक्टिकल के थ्रू परफॉर्म करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे जो है ना हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल जो है ना वो स्टार्ट की हुई है। इससे पहले वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी ब्लड की एक्सप्लेनेशन बताई, ब्लड के मैंने आपको टाइप्स बताए, फिर मैं आ गया एबीयू सिस्टम पे, कार्ल स्टाइनर के एबीयू सिस्टम पे, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर पे, उसके बाद मैं आ गया व्हाट इज एंटीजन, व्हाट इज एंटीबॉडीज, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अब मैं आऊंगा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पे कि हम कैसे ब्लड को डिटरमाइन करेंगे, ब्लड ग्रुप को। मैं एक पेशेंट से ब्लड लूंगा अभी और उसकी ब्लड ग्रुप में डिटरमाइन करूंगा कि उसकी कौन सी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स जो है ना हमारे साथ इसमें यूज होते हैं ग्लास राड, ये हमारे साथ ग्लास राड, ग्लास लाइट, ये हमारे साथ ग्लास लाइट है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे साथ ग्लास लाइट है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी ग्लास लाइट दी है, ये ग्लास लाइट है।
तीन ग्लास लाइट मैंने लिए। इसके अलावा हम कॉटन स्वाब यूज़ करेंगे, प्रिकिंग नीडल यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एंटी सेराज यूज़ करेंगे। ये हमारे साथ एंटी सेरा डी है, ये है एंटी सेरा बी और ये है एंटी सेरा ए, ठीक है। ये ब्लू कलर वाला एंटी सेरा ए, येलो एंटी बी और डी कलर जो है वो एंटी सेरा डी है, ठीक है। ये मैंने इसके सामने रख दिए, इसके थ्रू मैं ब्लड लूंगा और फिर एक एक ड्रॉप आप एंटी सेरा जो है ना वो प्लेस करूंगा एक एक साइड पे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप हमारे साथ ये है कि हम एक पेशेंट से, लेट्स सपोज ये डैनियल पेशेंट है, इसे मैं ब्लड लूंगा, ठीक है। इसे मैं भी ब्लड ले लूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ब्लड लिया एक साइड पे। इसको हम कॉटन से वॉश करेंगे, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, मैं पहले एक स्लाइड पे जो है ना थ्रू स्लाइड पे मैंने ब्लड ले लिया, अब मैं एक स्लाइड पे जो है ना एंटी सेरा डी डालूंगा, ठीक है। ये मैंने डाल दिया एंटी सेरा डी, ठीक है। दूसरा स्लाइड पे ये मैं इसके सामने रखूंगा एंटी सेरा डी जो है ना, ये मैंने सीरम इस स्लाइड पे डाल दिया, मैं इसके सामने स्लाइड के सामने मैं एंटी सेरा डी जो बॉटल है इसके सामने रखूंगा। इसके बाद मैं जो है ना डालूंगा एंटी सेरा बी, ठीक है, ये मैंने भी डाल लिया, ये मैं इसके सामने रखूंगा। ये हमारा थर्ड स्टेप है। अभी मैं डाल लूंगा थर्ड स्लाइड पे एंटी सेरा ए, ठीक है। एंटी सेरा ए जो ब्लू कलर वाली मैंने थर्ड स्लाइड पे लिया, इसके सामने मैं रखता हूँ। प्रॉपर जो है ना हम मिक्स करेंगे इसको, एंटी सेरा ए को, बी को और डी को, ठीक है। इसको हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे टूथपिक से या ग्लास रॉड से, ठीक है। और हम 10 मिनट्स तक वेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है ना बी पे क्लॉट बन गई है, ग्लूटिनेशन बन गई है। ये आप देख रहे हैं बी पे ग्लूटिनेशन बन गई है और साथ जो है ना डी पे भी जो है ना ग्लूटिनेशन बन गई है, डी पे भी है ना ग्लूटिनेशन बन गई है। तो इसका मतलब है पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, ब्लड आ गया उसका बी और आर एच फैक्टर कौन सा आ गया पॉजिटिव। बी पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड ग्रुप हमने डिटरमाइन किया। अगर हमारे साथ एग्लूटिनेशन बन गई स्लाइड ए पे और इसके साथ डी पे भी बन गई, तो इसका मतलब है ब्लड ग्रुप ए है और आर एच फैक्टर क्या है पॉजिटिव है। तो ब्लड ग्रुप क्या आ गई ए पॉजिटिव, ए ब्लड ग्रुप आ गया, आर एच फैक्टर कौन सा आ गई पॉजिटिव, ठीक है। अगर हमारे साथ ब्लड जो है ना बी पे हमारे साथ एग्लूटिनेशन क्लोकुलेशन डी बी पे बन गई और इसके साथ जो है ना डी पे भी बन गई, तो इसका हमारे साथ बी पॉजिटिव ब्लड आ गया। अगर ए बी दोनों पे नहीं बनी और ओ पे एग्लूटिनेशन बनी तो उसका मतलब है ओ पॉजिटिव, अगर सारों पे नहीं बनी तो इसका मतलब है ओ नेगेटिव ब्लड। तो इस ये सिंपल प्रोसीजर है ब्लड डिटर्मिनेशन ग्रुप का। इससे पहले मैंने आपको ब्लड के टाइप्स वगैरह मैंने एंटीजन एंटीबॉडी की मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन जो है ना वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।